हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजू वंस अगेन। अभी मैं बैठा हूँ अपने क्वार्टर के बाहर, रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ, पापा रेलवेज में हैं। तो ये है वो क्वार्टर, यहाँ L39 लिखा है। तो क्वार्टर में रह के पापा ने एक छोटा सा गार्डन बनाया है। दिन भर ड्यूटी या तो गार्डन में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं मेरे पापा। चलिए आज अपने गार्डन का लेके एक वीडियो बनाता हूँ। गार्डन में क्या क्या है आप लोग देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अपना थोबड़ा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा छोटा सा एक गार्डन। ये तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को बताते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं झाड़ी टाइप का, तो ये जंगली कोई पौधा नहीं है, लेमन ग्रास है। इसे अगर चाय में डाल के पियेंगे तो एक लेमन का एसेंस आएगा, सेंट आएगा, फ्लेवर भी आएगा। बाकी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे ऑफ सीज़न के पेड़ हैं, मतलब समर में भी ये ब्लूम करते हैं। ये रोज़ है जिसे मेरे डैड ने खुद से ग्राफ्टिंग करके बनाया हुआ है, इसीलिए ये पॉट में नहीं है। बाकी ये बहुत सारे कुछ कुछ फ्लावर्स हैं, नाम मुझे नहीं पता, सारे पापा को ही पता है। यहाँ पे येलो कलर का हिबिस्कस, हम लोग बंगाली में जवा फूल बोलते हैं, वही है यहाँ पे। बाकी ये सारे ग्राफ्टिंग जो कलम बोलते हैं वो पापा ने करके रखे हैं यहाँ पे। तरह तरह के रोज़ेज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्लास्टिक रैपर आपको दिख रहा है यहाँ पे भी है, ये एक्चुअली ग्राफ्टिंग किया हुआ है, इसीलिए वो प्लास्टिक का रैपर है। ये है जो मोगरा बोलते हैं हम लोग, बेल फूल बोलते हैं बंगाली में। और ये पिंक कलर का रोज़, इसे भी पापा ने ग्राफ्टिंग करके बनाया हुआ है। ये देखिए लाइट पिंक। यहाँ पे डीप ऑरेंज कलर, ये लाइट ऑरेंज। तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स के, ये वाइट है, अलग अलग कलर्स के रोजेज हैं गार्डन में। ये भी ये बाई कलर में है, दो कलर में, येलो एंड रेडिश। ये जिसको बोलते हैं हम लोग मिनी रोज़, छोटे छोटे। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ये पपीता का पेड़ है छोटा सा। ये बाकी सारे रोज़ेस, ये बेसिकली इस साइड सब रोज़ेस ही हैं। ये भी मिनी रोज़ है, बाकी बहुत सारे कलर्स के हैं। ये अभी ऑफ सीज़न है, समर का टाइम है करके उतना ज़्यादा फ्लावर्स आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ फ्लावर्स ही हैं। लेकिन जब विंटर का टाइम होता है तो ये एरिया पूरा गुलाबों से भरा हुआ रहता है। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके रखा था मैंने, उस सबको लास्ट में ऐड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
ये है धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, इसे भी पॉट में ही लगा के रखा है पापा ने, क्योंकि ये कभी कभार ऑफ सीज़न में 100 रुपये 150 रुपये किलो हो जाती है। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं हिबिस्कस का ग्राफ्टिंग किया हुआ है, इसीलिए प्लास्टिक रैपर्स यहाँ पे ऐसे बंधे पड़े हैं। यहाँ पे अगर जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुआ है, ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते न्यू यहाँ से निकल रहे हैं। ये कुछ और रोजेज आपको प्लास्टिक दिख रहे होंगे रैप किया हुआ, ये सब पॉट्स में नहीं है, इन सबको ग्राफ्टिंग किया गया है। ये सब आप अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये में बिकते हैं ये सब, तो मेरे पापा ये सब घर में ही बांधते हैं, मतलब हमें ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये येलो कलर का है, यहाँ एक मैं डिटेल्स में आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको निकालता हूँ। एक मिनट, ये देखिए इसको मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ कि ग्राफ्टिंग कहाँ से नया स्टेम निकला है और फिर फ्लावर हुआ है। ये रेडिश ऑरेंज टाइप का है, जूम करके फोकस अब देखिए ये जो स्टेम कहाँ आके अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है, ये जो प्लास्टिक रैपिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे बांधा गया था, वहाँ से वो स्टेम पूरा ग्रो हुआ है, ग्रो होके ये यहाँ से ग्रो करके सीधे ऊपर की ओर बढ़ा है और आके ये फ्लावर। तो ऐसे ही दिन भर बैठ के ग्राफ्टिंग करते रहते हैं पापा। ये देखिए यहाँ पे एक मैंगो प्लांट का ग्राफ्टिंग कर चुके हैं और जो कि सक्सेसफुल भी हो गया है, ऊपर में अपने पत्ते देख सकते हैं। तो मैंगो प्लांट का भी ग्राफ्टिंग मेरे पापा बैठ के करते ही रहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रॉबेरी का पेड़, ये एक पेड़ से पापा ने बहुत सारा पेड़ बनाया है, इधर है, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं, और इसके अलावा ये देखिए ये छोटा सा स्ट्रॉबेरी हुआ हुआ है और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लावर है। ये क्या है पता नहीं, कुछ ट्यूलिप ट्यूलिप टाइप का है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और स्ट्रॉबेरी के पेड़, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, अभी ऑफ सीज़न है करके ये स्ट्रॉबेरीज़ की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर विंटर में या विंटर का सीज़न होता, अभी तो समर चल रहा है इसीलिए ऐसे छोटे छोटे हो रहे हैं। ये देखिए ये जनवरी या फरवरी का एक वीडियो है पुराना, मैं यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, उस टाइम पे जो स्ट्रॉबेरी हुई थी वो देखिए कितनी बड़ी हुई थी ये, और एक पेड़ में कितने सारे स्ट्रॉबेरी हुए हैं वो देखिए। ये प्लास्टिक पापा ने रख दिया क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिट्टी में ना सट जाए, मिट्टी में सटने से ख़राब होने का चांसेस रहता है इसीलिए। ये देखिए एक और फोटो, ये सब फरवरी महीना के, ये भी एक समर का प्लांट है, ये समर में ब्लूम करती है। अब यहाँ पे आए गए हैं कुछ कैक्टस, पहले जब मैं या जब हम पुराने क्वार्टर में रहते थे वहाँ पे पापा के पास 20 से 25 कैक्टस की कलेक्शन थी, लेकिन जब नए क्वार्टर में आए तो फिर धीरे धीरे वो कम हो गए, मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया इसीलिए। अब आगे चलते हैं और ये है सबसे कॉस्टली
मेरे पापा का कलेक्शन। ये है पीपल का बॉन्साई, ये आप देखिए। और मैं बता दूं, ये पीपल का पेड़ हाइट में 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में है, उससे बड़ा नहीं है ये, मैक्सिमम 1.5 फीट। इसमें घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कितना मोटा हो चुका है। तो अब इस पेड़ के एज की बात करूँ तो ये 2006 में लगाया था पापा ने, और अभी है ये 2021। तो आप देख लीजिए इतने सालों में इसे हाइट में ग्रोथ करने नहीं दिया गया है, इसे जस्ट मोटा होना अलाउड था, हाइट में बढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि पापा जैसे हाइट बढ़ता था ऊपर से कटिंग कर देते थे। यही है बेसिकली बॉन्साई का जो कॉन्सेप्ट। अब पीपल ये देखिए यहाँ पे कटिंग कर करके बढ़ने नहीं दिया गया इसको। अब पीपल के बाद चलते हैं नेक्स्ट बॉन्साई पे, ये है बरगद का या बैनियन ट्री। ये भी 2006 का ही प्लांटेड है, ऊपर में आप देख सकते हैं कटिंग किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड बॉन्साई, ये भी एक बैनियन ट्री है, 2006 में लगाया हुआ। आप देख सकते हैं जैसे कटिंग करके यहाँ पे ग्रोथ को रोका जाता है ऊपर से, लेकिन इसके जड़ को देख के या रूट्स को देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये देखिए यहाँ पे इनके रूट्स। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सामने से, शायद मैं कैमरा में उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझे वो एंगल्स नहीं पता है कैसे शूट करते हैं अच्छे से। जितना हो सकता है मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन देखने में सही में बहुत ही सुंदर है। अब ये जो है जिसमें आपको एक भी पत्ते नहीं दिख रहे होंगे, तो ये मैं बता दूँ ये है वाइट सैंडलवुड का पेड़, मतलब सफ़ेद चंदन का पेड़। इसमें भी पत्ते होते हैं, अभी शायद इस मौसम में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इसमें भी पत्ते होते हैं, पत्तों से भरा रहता है ये पेड़ भी। अब चलते हैं कुछ डेकोरेटिव पाम ट्रीज़ में, ये सब कुछ डेकोरेटिव पाम ट्रीज़ है। ये मेंटेनेंस नहीं हो पाया बोल के गमले में बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गया है, तो ये है वो डेकोरेटिव पाम ट्री। इसे आप घर के अंदर भी बहुत लोग सजा के रखते हैं, और ये भी एक डेकोरेटिव पाम ट्री का कैटेगरी का ही है। इसके नीचे में एक बड़ा सा बल्ब होता है, ये नीचे की एक सेकंड, ये देखिए नीचे ऐसा बड़ा बल्ब होता है और लंबा सा एक स्टेम होता है, ऊपर में ऐसे झाड़। और ये भी एक शो का प्लांट ही है, पता नहीं नाम क्या है, ये पहले बड़े से गमले में था। ये जो दो पेड़ देख रहे हैं ये साइकस बोलते हैं इन्हें, ये बेसिकली गल्फ कंट्री की पेड़ है। तो चलिए अब दिखाते हैं कुछ वेजिटेबल्स जो पापा ने इसी गार्डन में उगाया है। ये देखिए ये कुछ हरी मिर्च है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करके ऊपर की ओर सब ग्रो किया है, ये थोड़ा अजीबोगरीब मैं भी पहली बार देखा। ये कुछ टमेटोज़ हैं देखिए, ऐसे ही गार्डन में बैंगन पालक और भी बहुत सारी सब्जियां होती है। और ये जो देख रहे हैं ये है पोमोग्रेनेट, मतलब अनार का पेड़, इसमें अनार भी होता है। अभी फ़िलहाल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं हुआ है। और ये है मेरे
पापा जो हमेशा इसी काम को लेके पड़े रहते हैं दिन भर। और ये कुछ फोटोग्राफ्स रोज़ेस का जब सीज़न होता है उस टाइम का। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने जितना भी फूल या फिर सब्जी वगैरह जो भी देखा आपने, ये सारे के सारे मेरे पापा के मेहनत का नतीजा है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा गार्डन छोटा सा अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, अगर कुछ बोलना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।